मंडी में पहुंचे केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि साल 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर होगी। मोदी सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समर्पित प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए बैंकिंग सेक्टर का मजबूत होना जरूरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इसके लिए काम किया जा रहा है। मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित ग्राहक संपर्क पहल कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आवश्यक है कि बैंक जनता से दूर न रहें। इस तरह के कार्यक्रमों से ये तय किया जाएगा कि जनता को बैंकों से अपनी जरूरतों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। इस पहल के तहत देश भर में 450 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्राहक संपर्क पहल के जरिए सभी बैंक विभिन्न ऋण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में निवेश आकर्षित करने के लिए मौजूदा कंपनी के मूल कॉर्पोरेट कर की दर मौजूदा 30% से घटाकर 22% कर दी है। इसके साथ ही 1 अक्टूबर से नए विनिर्माण इकाइयों के लिए कर दर को और घटाकर 15% कर दिया गया है। सरकार इस कदम से अगले 2 साल में भारत को दुनिया का निवेश केंद्र बनाना चाहती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म इकाइयां भारत की रीढ़ हैं और ये सेक्टर जितना अच्छा प्रदर्शन करेगा उससे लोगों को रोजगार भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। सरकार MSMI सेक्टर की मजबूती के लिए प्रतिबद्ध है। इस पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है और शुरू हुए उद्यम बंद ना हो, सरकार छोटे बड़े सभी उद्यमों को सहूलियत प्रदान कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार स्टार्टअप इंडिया पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री के प्रयासों से देश में स्टार्टअप को गति मिली है। आज भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में अभिनव पहल करने वाला दुनिया के पहले 5 देशों में शामिल हो चुका है। देश में शुरू स्टार्टअप का दुनिया भर में अब डंका भी बज रहा है। कार्यक्रम के दौरान PNB के प्रधान कार्यालय दिल्ली के महाप्रबंधक अनिल बंसल ने ग्राहक संपर्क पहल कार्यक्रम पर विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर अचल प्रबंधन रीता कौल ने भी बैंक की योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस मौके पर PNB के सहित अन्य बैंकों ने भी अपने स्टॉल लगाकर ऋण संबंधी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी। सर, आप नीचे एक तो सर ये जो GST वाला ये मामला उठा रहे हैं, क्या है ये इनकी मांग और किस तरीके से इसका समाधान निकल सकता है? मुझे लगता है यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने सरकार के सामने ये बात रखी और प्रदेश सरकार को इनसे बात करके इसमें आगे कोई निर्णय करना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से कुछ इसमें मदद गुंजाइश से संभव? केंद्र ने तो सबके लिए कानून बनाया, केंद्र GST पर नहीं करता। ये सभी राज्य की सरकारों के प्रतिनिधि वहाँ पर आते हैं, GST काउंसिल में उस पर निर्णय किए जाते हैं। सर, रेल एक मुख्य मुद्दा रहा है और प्रदेश की वित्तीय स्थिति के हवाले देते हुए मुख्यमंत्री ने मना कर दिया कि वो स्टेट का शेयर नहीं दे सकते हैं। इस पर केंद्र की सरकार से वित्त के किस तरह मदद करने का सोच रहे हैं? मुझे लगता है अभी केंद्र और प्रदेश की सरकार को बात करने में इसमें क्या क्या रास्ते निकल सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है जब ये दुहाई दी जाती है कि हमारे पास पैसों का प्रावधान नहीं है, लेकिन जब बैठकें होती हैं तो उसमें बहुत सारे उत्तर निकल कर आते हैं। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए क्या आप प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज का या कुछ उस तरह सिफारिश कर रहे हैं? किसी राज्य के लिए कोई स्पेशल पैकेज ऐसा सच नहीं आता, और पहले से 10% ज़्यादा पैसा राज्य की सरकारों को 14वें वित्त आयोग में दिया गया। अब 15वें वित्त आयोग की जो अगली घोषणाएं हैं वो आ रही हैं, उसमें क्या क्या प्रपोजल्स आती हैं उसको आपको इंतजार करके थोड़ा देखना। सर, इनकम टैक्स दरों में भी कोई बदलाव करने जा रहे हैं, ऐसी आ रही है बातें कि जल्दी दिवाली तो अगर आप देखें तो इंडस्ट्री के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% से कम करके 22% हमने हाल की जो इंडस्ट्रीज हैं जो अभी हैं उनके लिए किया है। जो भविष्य में लगेंगी आपके बाद और 2023 से पहले जो अपना कामकाज शुरू कर देंगे उनको मात्र 15% टैक्स देना। मैट भी उनके लिए 18.5% से कम करके 15% कर दिया गया। इससे बहुत बड़ी एक आकर्षण बनेगा हिंदुस्तान में निवेश करने के लिए, और हिंदुस्तान में जब हजारों करोड़ रुपए का निवेश आएगा तो लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। मुझे लगता है दुनिया भर की जो परिस्थितियाँ बन रही है हिंदुस्तान का ये कदम ऐतिहासिक रहेगा, हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाएगा।